अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद और दुआ है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे जानना है पुएन, वहाँ पे खुद्दम बाग एक जगह है, तो वहाँ पे एक अमची क्लिनिक है, तो मुझे वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जो अमचे उनको दिखाने के लिए। एक्चुअली मेरे हैंड्स, ये जो 3 फिंगर्स है, यहाँ पे काफ़ी इचिंग होती है, सो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये रिकमेंड करा है कि एक अबा या अमची के पास दिखाने जाओ। सो काफ़ी टाइम हो गया इसको, एक्चुअली ये एक फिंगर पे ही था, तो ये सेपरेट हो रहा है, 3 फिंगर्स पे आ गया है, तो नाउ आई एम वरीड कि कहीं पूरे हाथ में वो ना हो जाए। सो लोगों के रिकमेंडेशन पे एंड मेरी पेरेंट्स भी यही कहते थे कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं फ्री हूँ तो मैं होके आती हूँ। तो अभी मुझे जाना है अमची के पास, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं लाल चौक से नीचे जा रही हूँ, तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे रिसेंटली ये सारे चैनल्स बना रहे थे, तो काफ़ी इनको ऐसे बिखरा के रखा है, तो बहुत ही गंद मचा रखा है, इनको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो मैं पहुँच गई पुएन ब्रिज। तो पुएन ब्रिज के दोनों साइड से फुट ब्रिज भी बनाया गया है, जो कि अभी फंक्शनल नहीं है क्योंकि एंड पे वो है नहीं, अभी रास्ता बनाया नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रही हूँ, ये हैंडपम्प है, अगर आप लोगों को लोकेशन चाहिए तो इसके एकदम यहाँ पे, तो जेके नॉर्दर्न पब्लिक स्कूल के एकदम बगल में है ये अमची क्लिनिक, यहाँ पे देखिए टिबेटन मेडिसिन। तो मैं अभी इसके अंदर हूँ, तो यहाँ पे हैं हमारे अमची साहब, सो मैंने इनको दिखाया है, तो अभी मुझे दवाइयाँ दे रहा है, तो दवाइयाँ लेने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगी। सो ये रहा टिबेटन मेडिसिन। सो मैं अमची के पास होके आई, मेरा हाफ प्रिस्क्रिप्शन एंड ये 3 दवाइयां दी मेरे को, एक है बेड टाइम पे, एक है फास्टिंग मॉर्निंग एंड एक मालिश करने के लिए। सो उन्होंने कहा कि ये सरकिन छुरकिन वो वाला सीन है, एंड ये मुझे कुछ चीज़ें एहतियात करने के लिए कहा, मुझे कपड़े धोने से मना करा है, पानी में ज़्यादा देर मेरा हाथ नहीं रहना चाहिए एंड सोप्स वगैरह, उसकी वजह से ज़्यादा ये इस पर इफेक्ट पड़ता है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी। वैसे तो मैं कपड़े ज़्यादा धोती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स में स्पेशली मेरी अम्मी धोती है कपड़े वगैरह मेरे, तो बाकी बर्तन वो सारा भी मेरे हाथ से निकल गया, मैं बरी हो गई उन चीज़ों से। एंड और कहा कि जो गर्मी वाली चीज़ें होते हैं, जैसे आपका चिकन है, एग है वगैरह, वो सब नहीं खाना है एंड बट शायद इस पे मेरा कंट्रोल मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो शादी का सीज़न है एंड आज भी मुझे एक शादी अटेंड करने जाना है, सो आजकल तो आए दिन बस शादी वाले वो पार्टीज अटेंड कर रही हूँ। एंड भले ही मैं वो मीट वगैरह चिकन वगैरह ना खाऊं, बट वो जो तरी होता है उसमें ऑब्वियसली मसाले वगैरह होते हैं, तो गर्मी वाला चीज़ शायद मुश्किल है, फिर भी आई ट्राई। बाकी ये एक हफ्ते की दवाई दी है मुझे, उसके बाद फिर से आने के लिए कहा है। तो अगर आप लोग भी विजिट करना चाहें इन अमचीज के पास, तो या अगर आप फ़ोन के थ्रू कुछ पता करना चाहते हैं, तो उनका नंबर मैं बता देती हूँ, 6005818151। ओ मीन्स 00, आदत सी हो गई है ओ बोलने की। सो दिस इज द नंबर ऑफ द अमची वर्ड, सो यही सीन है। तो इंशाल्लाह आज रात से मैं शुरू करूँगी मेडिसिन वगैरह लेना, एंड आफ्टर अ वीक इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगी रिगार्डिंग द सीन, कितना असर हुआ, क्या सीन है उस चीज़ के बारे में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप मुझे ये बता दीजिए कि डू यू बिलीव इन अमचीज, आबास, आफोन वगैरह वगैरह।